जी आप ये देख सकते हैं, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और गाजीपुर बॉर्डर में ये जो यहाँ पर साथी हैं, ये देखिए आप, ये पूरा बैनर लेकर के साथी हैं। आप कहाँ से हैं, कौन से जिले से हैं? हम लोग लखीमपुर खीरी यूपी से हैं। अच्छा, लखीमपुर खीरी यूपी से हैं। क्या नाम है जी आपका? मनदीप सिंह संधू। और आप लोग कब से यहाँ पर आए हुए जी? हम लोग जी 28 नवंबर से यहाँ उठते हैं। अच्छा, पूरा 238 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पर। आपकी क्या मांग है, थोड़ा बताएंगे आप? मांग यही है, तीनों जो काले कानून है उसको रद्द किया जाए और एमएसपी कानून बनाया जाए। अच्छा, तो ये कब तक आंदोलन चलेगा आपका? जब तक चलेगा तब तक बैठे हैं हम लोग यहाँ, घर जाने वाले नहीं है। मतलब मोदी को उखाड़ के जाएंगे या मोदी से उखाड़ के, बिल्कुल, या मोदी का इलाज करके जाएंगे? क्या है आप लोगों का सोचना? हाँ जी, मोदी का इलाज करके जाएंगे या उखाड़ के जाएंगे? पूरा इलाज करेंगे, पूरा A to Z पूरा इलाज होगा। अच्छा, पूरा इलाज करके आप जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो संकल्प है यहाँ पर, ये रैली इनकी निकल रही है। जी जी, आप सुनिए भाऊजी की बात सुनिए, क्या कह रहे हैं? एक 22 को लगेगा, एक 24 को लगेगा, भले 24 तक बैठना पड़े। तो यूपी में आप हरा लोगे योगी को? बंगाल में जैसे इलाज किया है उसी प्रकार यूपी में भी इलाज करेंगे हम लोग। अच्छा, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप देख सकते हैं ये सब साथी गाजीपुर के ऊपर चालू चल रहा है, एक जिले का है। इस तरीके के अलग अलग जिलों के साथी हैं लगातार इस तरीके का आंदोलन चलता रहता है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों कानून, तीनों कानून, तीनों कानून, तीनों कानून। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। किसान एकता, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। हिंदुस्तान बनाता, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हिंदुस्तान कौन बनाता? भारत का मजदूर किसान। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ बहने, आप बताओ आप कहाँ से आई हो? हैं? हम जिला सहजानपुर से आए। अच्छा, हाँ। और क्यों आए हो आप लोग यहाँ? यहाँ आए हैं क्या, मोदी हमारी मांगे पूरी करते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए आए हैं। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे तो बहुत है, कारा कानून वापिस करते हैं, कोई मांगे नहीं। अच्छा, और क्या, हमारी मांगे दे दें, हम सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। एमएसपी भी चाहते हो, आपको पूरा दाम मिलना चाहिए। हाँ, पूरा जो पैदा करते हो, गेहूँ चावल अनाज सब, उसका वो भी पूरा रेट मिलना चाहिए। हाँ, पूरा रेट मिलना चाहिए। किसान आदमी गरीब आदमी को तो बच्चा पढ़ाने से बैठा दिए, इसने तो कुछ नहीं रखा, तो भाई बैठा दिए। अच्छा, और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बंद करें स्कूल, बंद करें। हाँ, मोदी की रैली हो जाती है और सब हो जाता है, चुनाव हो जाता है, लेकिन स्कूल चालू नहीं हो रहे हैं। खाने में जाओ कोई सुनता नहीं है, कहीं जाओ डीएम के आ जाओ वो भी नहीं सुनते, किसी के कमरे नहीं भर रहे, तो क्या इससे लाभ है मोदी से? तो अब योगी को हटाने की बारी आ गई, होगा चुनाव तो हटाओगे आप लोग? योगी मोदी दोनों हटाओगे? दोनों हटाएंगे जब हमें कुछ मिलेगा। वो कह सकते हैं कि महिला हमारा क्या उखाड़ लेगी, बताओ आप तो महिला क्या? हम तो उखाड़ के फेंक देंगे, महिला के सामने आऊं तो पर क्या?
महिलाओं के सामने आना चाहिए, महिलाओं के सामने आने की हिम्मत नहीं है उनकी। हमने बनाना है तो हमें बिगाड़ना भी जानते तो वो सामने के लड़े। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ये पूरा जो है बम्बई का जनता का आईना है, उसके लिए ये जो है कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है ना, तो सब बम्बई तक आपकी आवाज जा रही है, दिल्ली में तो हो ही रही है ना। बहुत शुभकामनाएं, जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ो। चलो भाई आ जाओ भैया लेके, है ना। ये जो है मैंने आपके सामने यहाँ पर ये रखा, आपने देखा कि किस तरीके का गुस्सा यहाँ पे लोगों के मन में है, और इसी यही गुस्सा है, इसी गुस्से के साथ में ये पूरा आंदोलन चल रहा है। ये जो उत्साह है उसी उत्साह के साथ में ये पूरा आंदोलन चल रहा है। और मैं जनता के आईना के दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में इस चैनल का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, सहयोग रहा है। आप भी इस तरीके से सहयोग करने का काम आपको भी करना चाहिए। आपको जो भी वीडियो पसंद आते हैं आपको उसको शेयर करना चाहिए, अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उसको पहुंचाने का काम आपको करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर टेंट बनाने का काम भी चल रहा है, और लगातार जो है नए नए लोग आ रहे हैं, टेंट लगाने का काम कर रहे हैं। ये डाल रहे हैं, टीन डाल रहे हैं, पक्का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कब से हो? कब